हेलो टू एवरीवन, क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ लेके आ गए हैं आपके लिए एक और स्पेशल एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट। मैं डॉक्टर अदनान आपके साथ, मेरे साथ मौजूद मेरी को होस्ट डॉक्टर दिलनिशी। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बिल्कुल, क्रिकेट की खबरें जो है वो इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतनी ज्यादा भर गई हैं, भरमार है खबरों की। और 2016 कैसे बीता, क्रिकेट पे कैसे बीता, हम पे कैसे बीता, पाकिस्तानी और इंडियन जो नाजरीन है उन पे कैसे बीता, ये सभी कुछ लेके, ये सभी कुछ चर्चा करने के लिए आज हम आ गए हैं अपने प्रोग्राम मैच पॉइंट में। और हम देर नहीं लगाएंगे आपके पास, क्योंकि खबरें हैं बहुत ज्यादा। पाकिस्तान का टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है हो चुका है कंप्लीट, और पाकिस्तान टीम अब वन डे सीरीज की तैयारी के लिए आगे बढ़ रही है। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान टीम का ये कम बैक जो है ये कैसा होगा। दिलनिशीन बताएंगी कि भारत की जानिब से जो बड़ी खबरें जुड़ी हुई हैं वो अब क्या हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर महेंद्र सिंह धोनी MSD। जी बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हुए मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं उनकी खबर बताना चाह रही हूँ अपने व्यूवर्स को। 2014 के इख्तिताम पे MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, और 2016 के इख्तिताम पर MS धोनी ने T20 और ODI की कैप्टेंसी से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। और ये बहुत बड़ी खबर थी, मैं समझती हूँ इंडियन क्रिकेट शायकीन के लिए, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया में धोनी के फैंस के लिए एक बड़ी खबर थी। वो कप्तान जिसने भारत की टीम को 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जितवाया, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो है 13 की जितवाई, ये सभी टाइटल से बैठने के बावजूद वो समझते हैं कि वो इस काम के लिए अभी फिट नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क भी छोड़ता है जी पाकिस्तानी कप्तान मिसबाहुल हक के ऊपर, और जो सीनियर कंपेनर यूनुस खान के ऊपर, कि क्या उनको भी अपने फ्यूचर का सामना जो है वो फैसला जो है वो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक शख्स जो हमसाया मुल्क से ताल्लुक़ रखता है और लीडिंग तमाम ही जो ICC टूर्नामेंट्स हैं उन सभी को अबूर करते हुए, राह अबूर करते हुए भारत को चोटी पर पहुँचाने के बाद वो अभी भी फिट है खेलने के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि वो क़यादत के लायक जो है, उनके रिफ्लेक्सेज जो हैं वो क़यादत के लायक नहीं है, और क़यादत जो है वो किसी और को सौंप दी जाए। जी बिल्कुल, एक और मज़ेदार खबर है पाकिस्तान के हवाले से, अगर मैं करती जाऊँ, बासित अली को PCB ने सैक कर दिया, सारे के सारे कोचिंग उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। और वुमेन टीम की कोचिंग वो कर रहे थे, वुमेन टीम के साथ भी गए थे अभी हालिया दौरे पे। हाँ, तो बासित जो है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड उनका बयान लगा मुझे, लेकिन बड़ा अफसोसनाक था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे पे रहते हुए, जब आप ऑफिशियल ओहदे पे होते हैं तो कोई भी आप पे लाखों उंगलियाँ उठती हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ और मुझे किसी का फ़ोन आ जाए कि उसे मेरी कोई बात पसंद नहीं आई, या मेरे प्रोग्राम का कोई हिस्सा पसंद नहीं आया, या मेरा कोई जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, मैंने कोई तजवीज़ नहीं, कहीं का लॉजिक नहीं है कि आप क्रिटिसाइज करो TV पे और किसी को बात पसंद ना आए और आपको पसंद ना आए और आप उसको स्लैप कर दो, आप उसको स्लैप कर दें। स्लैपिंग समवन इज एक्सट्रीम, माइट बी, यहाँ अगर वो नॉर्थ अमेरिका में कहीं होते तो उनको जेल भी हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में थे और उनकी बचत हो गई, सिर्फ उनको सैक किया गया PCB से, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक एक्ट था, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। जी बिल्कुल, और डॉक्टर दान आपके फेवरेट वसीम अकरम कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं कि वो क्या कह रहे हैं। वसीम अकरम का एक बड़ा दिलचस्प बयान मेरे सामने नजर से गुजरा, मैंने वो दिलनिशी से शेयर किया, मैं बल्कि गुजरा नहीं, मैं सुन रहा था उनकी बात। वसीम अकरम पाकिस्तान के जाने पहचाने माने लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रॉम द पाकिस्तान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रॉम क्रिकेट। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम के लड़कों जो है, जब वो खुद भी मेलबर्न में मौजूद हैं इस वक्त शनीरा अकरम के हमरा, तो उनकी मुलाकात पाकिस्तानी कैंप में हुई कुछ लड़कों से जो बड़े नाराज दिखाई देते थे मिकी आर्थर से। मिकी आर्थर जो है वो बड़े सख्त कोच है, आपको पहले भी बताया था, अपने पिछले एपिसोड में बताया था। वसीम अकरम का कहना यह है कि यार अगर वो सख्त ना हो, 3 मैच तुम हार गए हो, इतने मार्जिन से हारे हो, तो तुम्हें और वो लड्डू खिलाए हारने के बाद। तो वसीम अकरम ने इतना उसको वो स्पॉन्टेनियस बोला, हाँ, कि यार तुम्हें लड्डू खिलाए हो, तुम्हें गुस्सा आने के बजाय मुझे हंसी आ गई जब मैंने ये खबर सुनी, तो आई वाज जस्ट लाइक मुझे एक लाफ्टर हुआ कि ये बहुत मजे की खबर मुझे लगी वसीम अकरम की, वो सो स्पॉन्टेनियस। अच्छा, वसीम अकरम की खबर के बाद बात करते हैं PCB ने ODI क्रिकेट जो शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उनने फैसला किया कि मोहम्मद हफीज़ को हम पाकिस्तान के
ओडीआई स्क्वाड में शामिल करें, तो इस बारे में डॉक्टर अदनान क्या आप कुछ कहना पसंद करेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि चलें जो बाकी नहीं कर सके मोहम्मद हफीज भी करके वो देख लें कि उनसे क्या होता है, उन्हें भी आजमा लिया जाए, उन्हें भी आजमा लिया जाए कि ठीक है अब होना था वो तो हो गया जी, अब जो है लेकिन अब मोहम्मद हफीज को एक चांस दे देना चाहिए और अब उनका एक्शन भी क्लियर हो गया है तो शायद वो हेल्प कर सके। अगर वो बॉलिंग में अगर 5-6 ओवर करा जाती हैं और पाकिस्तान को कोई ब्रेक थ्रू दे जाती है, जिस तरह के यासिर अभी थोड़ा नहीं चल रहे और यासिर जो है ऑब्वियसली एक बड़ा प्रेशर का शिकार होंगे कि इतनी बुरी टेस्ट सीरीज के बाद आप एक इतने पीक पे जाएं, जॉर्ज लोमैन के बाद आप 70 साल क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और उसके बाद अचानक टेस्ट क्रिकेट के अंदर आके आपको इतनी मार पड़े कि आप अपने सारे रिकॉर्ड भूल जाते हैं, अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जैसी साइंटिफिक टीम के साथ खेलते हुए और वो भी वन डे में खेलना ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो टीम 200 का हिंसा 20 या 25 ओवर्स में अबूर कर लेती है और पाकिस्तान की टीम 50 ओवर्स में 200 का हिंसा टच करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में यासिर शाह पे ज़रूर प्रेशर होगा, तो शायद हफीज़ ये प्रेशर डिसॉल्व करने में कामयाब हो जाए, लेकिन इसमें ट्राई करने में हर्ज कोई नहीं है कि देखना पड़ेगा कि वो ओपनिंग पार्टनर जो है वो अजहर अली जो कि मेकशिफ्ट ओपनर थे टेस्ट के, क्या उनके ओपनिंग पार्टनर के तौर पे उनका साथ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अच्छा मोहम्मद हफीज की तो बात होती रहेगी, आज के दिन डॉक्टर अदनान हमेशा से बताते हैं आपको कि आज के दिन क्या खास बात हुई थी, उनसे सुनते हैं। आज के दिन 1894 में बहुत से आपको खबरें देंगे आज के दिन के हवाले से, लेकिन 1894 में ये तकरीबन जो है एक सदी से ऊपर का साल है, ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया क्रिकेट की वो पहली टीम बन गई थी जिसने फॉलो ऑन जो है वो इन्फोर्स किया था मुखालिफ टीम पे और फॉलो ऑन इन्फोर्स करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच हार गई थी। ये बहुत रेयर फीट है कि जो हुई थी, ये पहली दफ़ा 1894 में हुई थी और दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद दोबारा 1981 और फिर 2012 में दो दफ़ा ऐसा हुआ और दोनों दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ हुआ कि जब उन्होंने फॉलो ऑन इन्फोर्स किया और उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया टीम मैच हार गई। अच्छा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तो बात हम करते रहेंगे, तो सबसे अच्छी बात मैं बताती चलूँ अपने व्यूवर्स को कि आज मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ पाकिस्तान के हवाले से, बड़ी अच्छी खबर है अलीम डार को, कंग्रेचुलेशंस के वो अपना 332वां मैच कंडक्ट करवाने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, हिस्ट्री में मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ऐसा हुआ, हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ जी, 332nd मैच अलीम डार इज ऑफिशिएटिंग, दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि उनको ICC अंपायर ऑफ द ईयर का जो बैक टू बैक दो विन्स हुई थी उनकी 2 सालों में, वो पाकिस्तान के पहले एलीट पैनल अंपायर हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है और अब एक नया एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में आया है और वो भी अलीम डार के थ्रू पाकिस्तान के हिस्से में आया है। अब आपको बताना चाहेंगी दिलनशीं कि साल 2016 जो है वो कैसे बीता और क्या खोया क्या पाया क्रिकेटर्स ने, हम जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि अभी हमें टेस्ट मैचेस के ऊपर भी आना है। जी बिल्कुल, ये बड़े स्टैट्स मतलब देखे गए हैं कि 2016 में सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए, ये कुछ सोचने वाली बात है नहीं, सबसे ज़्यादा रन्स कोहली ने स्कोर किया, उन्होंने कितने स्कोर किए, 2595 रन्स उन्होंने 2016 के एंड तक स्कोर किए और सबसे ज़्यादा मोस्ट विकेट्स लेने वाले अश्विन बॉलर बन गए जिन्होंने 97 विकेट्स ली एंड मोस्ट कैचेस टेकन बाय बेयरस्टो व्हिच वाज 67 एंड स्टंपिंग जो किए गए मोस्ट बाय धोनी एंड मोहम्मद शहजाद, उन्होंने 15 टाइम्स स्टंपिंग की, दैट्स Amazing. मोहम्मद शहजाद जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, बताता चलूँ इंजमामुल हक की कोचिंग के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीखा, तो मैं समझता हूँ कि उनका ये यहाँ पर आना, धोनी की हम असरी करना साल 2016 में, ये अफगानिस्तान की टीम के लिए बहुत नेक शगुन है और इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। ICC स्पिरिट क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द ईयर का एवॉर्ड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी कप्तान मिसबाहुल हक को दिया गया, लेकिन ये जो अवार्ड है ये जस्ट पाकिस्तान के ये जो मैच पाकिस्तान हारा, आखिरी 2 मैचेस हारने से पहले जो है मिसबाहुल हक के नाम किया गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की गिरती हुई टीम को मोटिवेट किया और नंबर 1 पे लेके आया और पाकिस्तान को अचानक ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पे ले गया और पाकिस्तान टीम ICC क्रिकेट की पहली टीम बन गई और पहली दफ़ा उनके ये पाकिस्तान की क्रिकेट के करियर में पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान टीम ने ये
हाईएस्ट जो मंजिल है ये तय की, ये मिसबाहुल हक के अंडर ही तय की थी। इसी बिना पे उनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ द जो क्रिकेट का ईयर का अवार्ड है वो उनके दिया गया। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 2011 में जब पहली दफ़ा ये अवार्ड दिया गया था वो एमएस धोनी भारत के कप्तान को दिया गया, और आखिरी साल इसके हकदार ब्रेंडन मैककलम थे जिनसे मिसबाहुल हक ने ये रिकॉर्ड अब छीन लिया है। अच्छा, थोड़ी विमेन क्रिकेट टीम की बात करते हैं कि विमेन क्रिकेट टीम में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, और न्यूजीलैंड की सूजी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला जिन्होंने ओडीआई और टी20 में अपने कारनामे सर अंजाम दिए। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2016 में मार्क एरिस्मस को जो है वो अवार्ड दिया गया, और इसमें भी पहले अलीम डार अवार्ड लेके जा चुके हैं। साइमन टॉफिल जो है वो 2011 में इसका अवार्ड लेके गए थे, और अब ये जो एजाज है ये एरिस्मस के हिस्से में आया है जब ये साल इख्तिताम को पहुंचा। जी बिल्कुल, आप मिचेल स्टार्क की बात करेंगे हमारे। जी बिल्कुल, डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क, ये आईसीसी जब भी साल ख़त्म होता है तो एक टीम आईसीसी अनाउंस करता है, वो हॉल ऑफ द फेम होती है, और उस साल की बेहतरीन टीम होती है जिसमें दुनिया क्रिकेट की जो चोटी की टीमें होती हैं उनके टॉप बल्लेबाज, टॉप बॉलर, टॉप फील्डर और टॉप विकेटकीपर को शामिल करके एक आईसीसी बेस्ट टीम जो है वो निकालता है। जो आईसीसी बेस्ट टीम निकाली गई, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो टेस्ट की भी निकाली गई और ओडीआई की निकाली गई। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर, और डेविड वार्नर जिनको प्यार से ऑस्ट्रेलियाई बॉलर वार्निंग कहते हैं लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तानी बॉलर अब इनको क्या कहेंगे। डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क सिर्फ दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी क्रिकेट टेस्ट की टीम और वन डे टीम दोनों टीमों का हिस्सा बनाया। अच्छा, मज़े की बात बताते चलूँ अपने व्यूवर्स को कि जो उन आईसीसी ने अपनी टीम अनाउंस की 2016 में टेस्ट टीम, उसके कैप्टन कौन थे? उनके कैप्टन थे पिछले साल और इस साल 2015-2016 में दोनों दफ़ा कुक रहे। जी, दिलचस्प बात यह है कि बैक टू बैक इस साल के आखिर में और 2015 में भी कुक को उसका कप्तान नामजद किया गया, और जब ये शुरू हुए अवार्ड्स पहली दफ़ा 2008 में तो जो पहले दोनों जो कप्तान थे वो दोनों रिकी पोंटिंग के हिस्से में आए, और अब जो आखिरी दो हैं वो दोनों जो हैं एलिस्टर कुक के हिस्से में आए। कैप्टन ऑफ आईसीसी ओडीआई टीम के कोई और कैप्टन नहीं है, द वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई टीम के द वन ऑफ द बेस्ट कोहली को नामजद किया गया, और मैं समझती हूँ वो वाकई डिजर्व करते थे इस साल। बिल्कुल जी, और जब ये अवार्ड्स शुरू हुए तो पहली दफ़ा जो है जिस तरह आईसीसी टेस्ट टीम के अंदर जो है वो पोंटिंग को दिया गया था अवार्ड, इस ओडीआई टीम के अंदर भी जो पहले कप्तान थे आईसीसी के वो रिकी पोंटिंग थे, और जो सेकंड कप्तान थे 2010 के वो मारवन अथापत्तु फ्रॉम श्रीलंका थे। अच्छा, नंबर ऑफ प्लेयर्स टीम जो आईसीसी ने अनाउंस किया कि हर साल अनाउंस करती है आईसीसी अपनी टीम, पाकिस्तान जो टीम। पाकिस्तानी फैंस के लिए बुरी खबर है जी, तो थोड़ी सी बुरी नहीं कह सकते, थोड़ी सी डिप्रेसिंग है कि उसमें एक भी पाकिस्तानी प्लेयर उन्होंने शामिल नहीं किया अपनी टीम के 11 मेंबर्स में। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के टीम प्लेयर्स थे 4, ऑस्ट्रेलिया के 3, इंडिया का 1, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के भी एक एक प्लेयर्स इनकी टीम में शामिल। और इसी तरह जो आईसीसी ओडीआई टीम थी जिसको टीम ऑफ द ईयर, आईसीसी टीम ऑफ द ईयर जो है जिसको चुना गया, और उसमें जैसा दिलनशीन ने आपको टेस्ट का बताया तो मैं आपको ओडीआई का बताता चलूँ कि उसके अंदर भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है, और 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, और 3 जो है जिनका ताल्लुक भारत से है, और 3 का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, 1 का ताल्लुक श्रीलंका से है, और 1 का वेस्ट इंडीज से है। उसमें भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी आईसीसी ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं बन सका। आईसीसी टेस्ट प्लेयर्स ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले अश्विन जो थे वो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब लेने में कामयाब। और जब ये अवार्ड शुरू किए गए आईसीसी ने तो उसमें सबसे पहला अवार्ड जो है वो भारत के राहुल द्रविड़ के हिस्से में आया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान जैक्विस कैलिस जो है वो इस अवार्ड का हकदार बने, और अब लेटेस्ट जो है आपको दिलनशी ने बताया कि अश्विन, जबकि पिछले साल जो साल गुजरा था उसमें स्मिथ के हिस्से में ये एजाज़ जो है, ये बड़ा एजाज़ जो है उनके हिस्से में आया था। अच्छा, कोहली को बड़ी मज़े की बात है कि कैप्टन ऑफ द ओडीआई जो टीम है आईसीसी की उसमें उन्होंने कैप्टन नामजद किया, लेकिन वैसे हाँ, जो ये है, बड़ा इख्तलाफ रहा काफ़ी क्रिकेट के नाकदीन को, और मुझे भी लगा कि ये बड़ा एक फ़नी था इसको डिसाइड करना, क्रिकेट कैप्टन ऑफ द आईसीसी ओडीआई टीम
उस कप्तान को जिसने 2016 में एक भी ओडीआई की कप्तानी नहीं की। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये क्या क्राइटेरिया थे, कि अब क्या क्राइटेरिया थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक भी कप्तानी उन्होंने नहीं की। परफॉर्मेंस वाइज उनको ओडीआई टीम का जो है वो आईसीसी ने कप्तान बना दिया, जबकि उन्होंने भारत की जानिब से 2016 में एक भी मैच की कप्तानी नहीं की। अच्छा, आज की तारीख में रियो में क्या हुआ था? रियो में आज की तारीख में बहुत खास हुआ था, और ऐसा खास हुआ था कि वो दिलनिशी को आज भी याद है कि 2006 में जब मैंने एक टेलीविजन के ऊपर बताया था, ट्रॉफी जूल्स रिमेट ट्रॉफी जो है वो जब ब्राजील की टीम ने जीती, ब्राजील के कैप्टन पहले जो है उन्होंने जीती जूल्स रिमेट ट्रॉफी, उसके बाद कोपे जो नई ट्रॉफी जो है जो आज तक फुटबॉल की दुनिया में कायम दायम है, उससे पहले जो ट्रॉफी थी ये 1970 में इसका अख्ताम हो गया था। ये ट्रॉफी दो मरतबा चोरी हुई थी। जब ये ट्रॉफी पहली दफ़ा चोरी हुई तो इस ट्रॉफी को जो है वो ढूंढ लिया गया, ढूंढने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाँ की इंग्लैंड की लोकल स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का एक कुत्ता था जिसने ये ट्रॉफी झाड़ियों के अंदर छुपी हुई ढूंढी थी। 1970 में जब ये ट्रॉफी चोरी हुई सेकंड टाइम, तो जूल्स रिमेट ट्रॉफी आज तक नहीं मिल पाई कि वो सोने से जुड़ी ट्रॉफी वो किधर गई। शायद उसमें एक ये राज था, मैं अक्सर कहा करता था कि वो कुत्ता उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं था, उस कुत्ते का इंतकाल हो चुका था। अगर वो कुत्ता जिंदा होता तो शायद ये सेकंड टाइम जो है ये जूल्स रिमेट ट्रॉफी जो है वो मिल जाती। तो आज के दिन तारीख में ये जूल्स रिमेट ट्रॉफी जो है वो चोरी हो गई थी। जी दलेशी जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल बात करते हैं आजकल जो सीरीज चेज हुई है उसके बारे में बात करते हैं। मैं ये मैं बताना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान के थोड़ा सा मैचेस की तरफ आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। गाबा में पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज खेली जो 2016 में तीन मैचेस खेले, पहला मैच जो है वो ब्रिस्बेन गाबा पे हुआ, दूसरा बॉक्सिंग टेस्ट जो तारीख का हिस्सा बन गया, तारीखी मैच एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जहां पर पाकिस्तान ने 1992 का फाइनल जीता, तीसरा मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एससीजी पे खेला गया। जब पहला मैच खेला गया तो पाकिस्तान नाकाबिले यकीन तौर पर मैच से बाहर हो चला था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि पाकिस्तान मैच में वापस आया असद शफीक की हीरोइक इनिंग्स की जानिब, हीरोइक इनिंग्स की मदद से। असद शफीक की इस जो बारी थी उसमें एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है अब ये टारगेट चेस कर सकता है। जब 400 रन्स का टारगेट चेस किया गया तो ये उसी टारगेट के बारे में दिल्ली शी बात कर रही है कि ये कब कब चेस हुआ और तब तब क्या हुआ, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि 418 वेस्ट इंडीज़ ने चेस किया, 417 साउथ अफ्रीका ने चेस किया, और दोनों मरतबा बदकिस्मत टीम का जो थी वो कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों चेज हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही है वो टीम जो देती है 400 प्लस टारगेट, चैंपियंस की चैंपियन। हर जो बड़ा काम है चाहे वो ओडीआई में हुआ है, टेस्ट में हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ है। और मैं हमेशा ये मजाक करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ क्यों हो जाता है, क्योंकि और कोई टीम इतना बड़ा टारगेट दे नहीं पाती। ऑस्ट्रेलिया की चैंपियन टीम के खिलाफ ये दो दफ़ा टारगेट चेज हुआ और ख़तरा ये था कि तीसरी दफ़ा भी चेज हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच हार गई। अब दिलनशी पाकिस्तान की टीम जो है वो तीनों मैच हार गई है, सीरीज का वाइट वॉश हो चुका है। मिसबाह अल्लाह की टीम पाकिस्तान गाबा का मैच भी हार गई, ब्रिस्बेन गाबा का मैच हार गई, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का एमसीजी का मैच हार गई, और अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया एससीजी में भी हार गई। ऐसे पे आपको क्या याद आ रहा है? क्या याद आ सकता है, दिल जलता है। और दिल जलता है तो मुझे तो वो शेर याद आता है जब दिल जलता है, तो आपको पता नहीं क्यों याद नहीं आता वो शेर। अच्छा, आप उस शेर की बात कर रहे हैं जो मुनीर नियाज़ी का एक कलाम है जी, कुछ तो, उंच कुछ इरशाद करूं मैं भी, कुछ उंच भी रावा औखिया सन, कुछ गल विच गम द टॉक वी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानो मरण दा शोक वी सी। इसमें जो भी है ना भी को बड़ा जोर दिया है मुनीर नियाज़ी, बिल्कुल। और ये जो शेर है ये परफेक्टली पाकिस्तान टीम के लिए लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया वाले तो जालिम थे पर हमें मरने का भी बड़ा शौक था। पाकिस्तान टीम ने जो दो मैच खेले वो यकीनन मरने से मुतरादिफ से। एमसीजी में जहां बारिश होती रही वक्फे वक्फे से, अजहर अली की हीरोइक डबल सेंचुरी भी पाकिस्तान के काम न हुई, पाकिस्तान की टीम ने 400 का रन का टोटल पोस्ट कर दिया, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम हार गई, कोलैप्स हो गई, टेंशन में आ गई। जब भी आप मैच बचाने जाएंगे आप मैच हार जाएंगे, जब आप मैच जीतने जाते हैं तो आप पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ जाती हैं, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से जाती हैं। जब भी आप इस नीयत से जाती हैं कि आप मैच को ड्रॉ करने के चक्कर में हैं जो पाकिस्तान टीम ने एमसीजी और एससीजी में किया,
तो पाकिस्तान टीम मैच से हाथ धो बैठी, स्पेशली अगेंस्ट द ओपोनेंट्स हु आर मेंटली मोर टफ देन यू। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं या फॉर्चुनेटली कहते हैं, पाकिस्तान टीम को इस कड़ी हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम साइंटिफिक क्रिकेट खेल रही थी, उनकी निस्बत वो हर मैदान में मजबूत थी, फील्डिंग, बैटिंग, कोचिंग, बॉलिंग, उनका अपना होम ग्राउंड, होम कंडीशंस, मेंटली मोर टफ। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जेर करने के लिए आपको फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है, बैक फुट पे ऑस्ट्रेलिया से जंग नहीं जीती जा सकती, यही आपको बताया पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका ने, लेकिन आपने साउथ अफ्रीका से कुछ ना सीखा। बात करना चाहूँगा थोड़ी सी मैं इसी मैच के बारे में कि गाबा का टेस्ट में, मैं पाकिस्तान को तारीफ भी करना चाहूँगा कि किसने सोचा था कि ये टेस्ट जो है आखिरी रोज तक जाएगा, जब पाकिस्तान के 59 पे एक आउट थे और उसके बाद पाकिस्तान टीम का कोलैप्स हुआ और 60 रन के अंदर पाकिस्तान की लगभग 6 विकेटें जो हैं वो गिर गई और उसके बाद पाकिस्तान टीम का सहारा दिया आसिफ शफीक ने, एंड नो वन थॉट कि ये मैच जो है इस तरह से आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान लॉस्ट ईयर 8 विकेट एट द स्कोर ऑफ 67 ऑन द सेकेंड डे, लीस्ट रन बाय द पाकिस्तान एडेड फ्रॉम द सेकेंड टू सिक्स विकेट, दूसरी से छठी विकेट तक जो पाकिस्तान ने रन जोड़े वो सबसे कम 9 रन जोड़े कलकत्ता में 1998-1999 में, जहां पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच हार गई और उसके बाद अब ये 13 रन जो जोड़े इन छः विकेटों ने, ये ब्रिस्बेन गाबा में एक नया रिकॉर्ड था। आल्दो के कलकत्ता का रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड नहीं टूट सका और टूटना भी नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान का सेकेंड वर्स्ट था जब पाकिस्तान टीम जो है ये 13 रन की एवज पाकिस्तान ने 6 विकेटें दी। पाकिस्तान अल्टीमेटली ये टेस्ट जो है 39 रन से हार गया। पाकिस्तान टीम आखिर में जब खेल रही थी, असद शफीक क्रीज पे मौजूद थे, उनको सिर्फ 39 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक विकेट चाहिए थी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देख सकते हैं हमारे क्लिप्स में कि ऑस्ट्रेलिया की टीम किस तरह पाकिस्तान पर छाई रही और गाबा में आखिर में किस तरह जेर किया और असद शफीक जो है बदकिस्मती से आउट हो गए और पाकिस्तान टीम जो है वो मैच हार गई। जो अब बताना चाहूँगा आपको कि स्मॉलेस्ट मार्जिन ऑफ डिफीट जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जब एक टीम चेस कर रही हो चौथी इनिंग्स में, तो पाकिस्तान चूंकि 39 रन से हारा, इससे पहले जो स्मॉलेस्ट मार्जिन है वो कीवीज के हिस्से में आया। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कुछ साल पहले 38 रन से जो है वो शिकस्त खा गई ऑस्ट्रेलिया के हाथों इन्हीं के ग्राउंड पे। दैट वाज द स्मॉलेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री बाय ऑस्ट्रेलिया एंड स्मॉलेस्ट मार्जिन ऑफ डिफीट बाय द विजिटिंग नेशन इन द सॉइल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 450 जो पाकिस्तान ने टोटल बनाया, ये ऑस्ट्रेलिया के सॉइल के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा टोटल था और लार्जेस्ट टोटल था जो पाकिस्तान ने वहाँ पर किया, हाइएस्ट एवर था, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एनी वेयर ये हाइएस्ट टोटल है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इतना बड़ा टोटल और किसी टीम ने खड़ा नहीं किया। ये है टीम पाकिस्तान जिसके बारे में कहता हूँ, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ओनली फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ कि फोर्थ इनिंग्स में जो है वो टोटल जो है वो 400 से आगे पलट गया। 400 का रन स्कोर करना चौथी इनिंग्स में निस्बत बहुत ही मुश्किल काम है और टीम पाकिस्तान के लिए तो ये कड़ा इम्तिहान है, एक आग का दरिया है गुजर के जाना है। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा कि गाबा में किस तरह उनकी वापसी हुई, मैं उस टेस्ट को अभी भी ये नहीं कहता कि पाकिस्तान हार गया, क्योंकि वो जो पाकिस्तान हारा वो हार के भी पाकिस्तान टीम के बैट्समैनों की जीत थी। प्रीवियस हाईएस्ट जो पाकिस्तान का था इससे पहले चौथी इनिंग्स में चेस करते हुए वो 382 था, जो श्रीलंका के खिलाफ पहले अकेले में हुआ, जहां पर यूनुस खान की ह्यूरिक इनिंग्स शामिल थी और 150 प्लस रन स्कोर किए थे, पाकिस्तान टीम को कामयाबी से हमकदार किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनुस खान जो है वो इस मैच में ना चल सके। पाकिस्तान वो मैच जो है यूनुस खान की वजह से 7 विकेटों से पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। ओवरऑल ये जॉइंट थर्ड हाईएस्ट था अगर आप क्रिकेटिंग टर्म से देखें कि फोर्थ इनिंग्स में अगर एक टीम जो चेस करने जा रही है तो ये बड़े से बड़े स्कोर में तीसरा बड़ा टोटल था जो किसी टीम ने अपने सर पे लिया। पाकिस्तान का जो अगर मैं बात करूं कि लूजिंग कॉज में, तो अगर लूजिंग कॉज में पाकिस्तान टीम का ये एक नया रिकॉर्ड था, जहां पर पाकिस्तान टीम हारने के बाद भी दिलनशी लूजिंग कॉज के अंदर 400 रन टच की हो, क्योंकि अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान लूजिंग कॉज के अंदर ज़्यादातर 200 या 150 से ऊपर कभी नहीं जा सका। तो लूजिंग कॉज के अंदर पाकिस्तान की ये बड़ी एफर्ट थी, आखिरी टाइम तक लगता था कि पाकिस्तान की टीम ये मैच जीतना चाहती है। अच्छा, आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का ये लास्ट जो 6 टूर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, जो मैंने निकाले हैं अपने रिकॉर्ड से,
कि 1990 से ऑनवर्ड जो इमरान खान टीम लेके गए, फिर वसीम अकरम लेके गए, इंजी लेके गए टीम, उसके अंदर पाकिस्तान का चौथी इनिंग्स के अंदर ये सबसे बड़ा टोटल था। वो 1990 से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर इतना बड़ा रन्स का ढेर नहीं लगाया था जो ब्रिस्बेन गाबा में लग गया। लास्ट टाइम जब उन्होंने 450 या इससे ज़्यादा रन्स का जो टारगेट जो है वो हासिल किया था, वो दैट वाज इन द मेलबर्न इन 1983, जहां पर आपको याद होगा कि मोहसिन खान की एक ज़बरदस्त बारी जो है वो शामिल थी। MCG के अंदर बॉक्सिंग डे टेस्ट के अंदर 1983 के बाद पाकिस्तान की टीम अब 2016 में इतना बड़ा टोटल जो है वो पोस्ट करने में कामयाब हुई। और जो लास्ट 6 टूर्स थे उसमें भी पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन थोड़ा सा मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलियन टीम की कामयाबी के तनासब के ऊपर। गाबा जो है, जिस तरह नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो पाकिस्तान का गढ़ कहते हैं, इसी तरह कलकत्ता को इंडिया का गढ़ कहते हैं, यहाँ पर ब्रिस्बेन गाबा को ऑस्ट्रेलिया का घर और ऑस्ट्रेलिया का गढ़ कहते हैं। ब्रिस्बेन गाबा में अब पिछले 28 मैचों के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम नाकाबिले तस्खीर और नाकाबिले शिकस्त है, और उन्होंने इस रिकॉर्ड को जो है वो आगे अब बढ़ा दिया है। लास्ट टाइम जब 28 ईयर्स में, जो मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, जब उनको शिकस्त हुई थी गाबा के मैदान पे ब्रिस्बेन में, तो वो किसी और के हाथों नहीं बल्कि सर विविन रिचर्ड्स की वेस्ट इंडीज़ की टीम 1988 का जब अवे टूर करने ऑस्ट्रेलिया गई, तो वहाँ पर ब्रिस्बेन गाबा में वेस्ट इंडीज़ ने उनको शिकस्त दी थी, जहाँ पर गॉर्डन ग्रेनेज और डेस्मंड हेन्स की एक बड़ी इनिंग्स शामिल थी और ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट पर कर दिया था, और स्टीवन वॉर डेविड बून की टीम जो है एक वन साइडेड एकतरफा मुकाबले के बाद हथियार डालने पर मजबूर हो गई वेस्ट इंडीज़ के सामने। उसके बाद से 21 टेस्ट जो है अब वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो वहाँ पर खेले, वहाँ पर ड्रॉ भी किए, लेकिन कोई मैच जो है वहाँ ऑस्ट्रेलिया ने हारा नहीं, और 13 में से 11 जो है वहाँ पर जो है टेस्ट जो है उन्होंने वो जीते वहाँ पर। तो इससे अंदाज़ा करें कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कितना मजबूत है ब्रिस्बेन गाबा के अंदर। 2010 की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपको, एक आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि असद शफीक जो है उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया इस मैच का। ब्रिस्बेन गाबा जो पहला मैच हुआ, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको दिया गया। लूजिंग कॉज के अंदर मैन ऑफ द मैच लेना एक बहुत बड़ी बात है। मैन ऑफ द मैच अब असद शफीक को मिला, लेकिन आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि असद शफीक से पहले 2010 में ये कारनामा सर अंजाम दिया गया पाकिस्तान की जानब से, और कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट थे जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया 2010 के बाद। अब 6 साल के बाद ऐसा मौका आया जब किसी पाकिस्तानी बैट्समैन को लूजिंग कॉज के अंदर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो दे दिया गया। अच्छा जी, कुछ मैं बात करना चाहूँगा कि टेस्ट हिस्ट्री कुछ बनी, कुछ रिकॉर्ड बने ब्रिस्बेन गाबा में, उस पर हाँ जी 7th, 8th और 9th विकेट पे जो वो हाफ सेंचुरी लगी है, 50 रन स्कोर किए गए 7th, 8th और 9th विकेट पे कंजेक्टिवली, ये पाकिस्तान क्रिकेट में तो पहली दफ़ा हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दुनिया क्रिकेट में एक सदी से ऊपर जारी रहने वाली क्रिकेट, 125 साल क्रिकेट हिस्ट्री का भी ये पहला ऐसा मौका है कि जब 7, 8, 9 बैट्समैन ने 50 रन स्कोर किए हों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान मैच जीतेगा तो बैट्समैनों को परफॉर्म करना ही होगा, मस्ट करना होगा। ये मैच पाकिस्तान बिल्कुल जीते जीते रह गया। उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान की हर बैटिंग एफर्ट इतनी ज़्यादा थी कि हर स्लॉट के ऊपर नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 हर जगह पे जंग जो है वो लड़ी जा रही थी। इवन 7 अच्छा एक और रिकॉर्ड भी बना जो मुझे याद आ गया 50 से, कि 8वें, 9वें और 10वें नंबर के पाकिस्तानी बल्लेबाज हर लड़के ने एटलीस्ट 30 रन स्कोर किए। उन्होंने स्ट्रगल की, थर्टी रन से ऊपर स्कोर किया, ये भी इसकी ब्रिस्बेन गाबा की खास बात थी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको टेक्निकल कुछ बातें कि स्टीवन स्मिथ उनकी कप्तानी का जो है पोल भी खुल गया। ये तो आफरीन हो पाकिस्तान टीम पे कि उन्होंने जो सीरीज़ का अख्ताम किया अनफॉर्चुनेट अख्ताम MCG और SCG के मैचेस के बाद, तो वो स्टीवन स्मिथ को दोबारा से वो हीरो बना गए, वरना ब्रिस्बेन गाबा में उनकी कप्तानी का पूरा पोल खुल गया था, खुल के नज़र आ गया था कि स्टीवन स्मिथ जो हैं वो चौक कर रही हैं, परेशान हो गए थे, उनके हाथ पैर फूल गए थे। असर इससे अंदाज़ा करें कि जब असद शफीक आखिरी रोज़ बैटिंग करने के लिए आए, तो देखे जब एक उन्होंने पहली बॉल से ही, जब पहला मैच शुरू हुआ तो फर्स्ट बॉल से उन्होंने देखे आपके फील्डिंग उन्होंने फैला दी, रिंग से पीछे फैला दी और बाउंड्रीज पर फैला दी, उन्होंने कोई उनके लिए स्लिप्स नहीं ली।
एग्रेसिव बॉलिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो है उसके फॉर्म में थे, नई बॉल उनके पास थी, सुबह का टाइम था, मॉइस्चर था गाबा के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद सोचें कि वो कितने बैकफुट पे थे और कितने अंडर प्रेशर थे असद शफीक से कि देखें कोई भी लेवल पे क्रिकेट हो रही हो, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक बैट्समैन नया आएगा भाई पहले दिन तो वो नया ही बॉल खेलेगा ना, और पहले दिन तो उसका नया स्टार्ट होगा, वो प्रेशर में होगा पहले पाँच दिन, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने वहाँ पर मौका दिया असद शफीक को और असद शफीक ने खुल के उससे फ़ायदा उठाया और ये चीज़ बड़ी बड़ी पसंद आई। ये होती है विराट कोहली वाली टेक्निक जहाँ पर आप बॉलर्स पे हावी हो जाए, और असद शफीक वहाँ से बॉलर्स पे हावी हुए, वो तो अनफॉर्चुनेट कि दूसरे एंड से विकेट गिरना शुरू हो गई और आखिरकार पाकिस्तान एक लो मार्जिन से हारा, लेकिन स्टीवन स्मिथ की कप्तानी का जो पोल है वो ब्रिस्बेन गाबा में खुल के सामने आ गया। लेकिन यहीं पर मैं उनकी तारीफ भी करता चलूं कि कप्तानी के साथ साथ, कप्तान होते के साथ साथ भी उन्होंने जो है वो बैटिंग का जो है वो तसलसल बरकरार रखा, यानी कि ये नहीं किया कि अब मिसबाह उल हक जो है वो प्रेशर में आए हुए थे, उनसे बैटिंग नहीं हो रही थी, पाकिस्तान टीम की कप्तानी संभालते हुए, लेकिन स्टीवन स्मिथ जो है वो ये कप्तानी का ताज संभालने के बावजूद अपनी बैटिंग जिम्मेदारी जो है वो नहीं भूले। हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा और आई थिंक उसके बाद हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे उसके, असद शफीक की बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक लेंगे और उसके बाद वी विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग मैच पॉइंट बाय डॉक्टर अदनान।